जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। आज के वीडियो में हम सिपाही फार्मा की कोर्सेज देखेंगे कि सिपाही फार्मा को क्या क्या काम मिलता है। जैसे आपने नर्सिंग असिस्टेंट में भी देखा, जीडी में देखा, बहुत सारे काम करते हो जीडी में जाने के बाद भी, तो सिपाही फार्मा का मेनली काम क्या रहेगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो मेडिसिन कंट्रोल करेगा वो चीज़ें करेगा, लेकिन आपने बोला सर एक्चुअल में और क्या क्या काम हो सकता है उसकी भी वीडियो लाइए। तो ये वीडियो स्पेशली सिपाही फार्मा के एस्पिरेंट के लिए है। चलिए लेट नहीं करके वीडियो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा मैं इसका हेल्प लूँगा। पहले जो सिपाही फार्मा का जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट वाइज बता देता हूँ। पहले है उनकी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, फिर ये क्यूसी डिपार्टमेंट, फिर क्यूए डिपार्टमेंट और फिर डिस्पेंसरी। ये चार चीज़ें हैं जो इंडियन आर्मी में आपको काम करने मिलेगा। आगे मैं समझा दूंगा आपको इजीली। अगर आप चैनल में नया है, लगता है ये यूजफुल चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप पुराना है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहले है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जो बंदे आप जाएंगे, जैसे आप सिपाही फार्मा की ट्रेनिंग में गए, बेसिक ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर लिया, एडवांस ट्रेनिंग में आपको सिपाही फार्मा की तरह तरह चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट क्या है? क्या आप वहाँ से मेडिसिन कंपनी खोल के बिजनेस सप्लाई करोगे? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे बात नहीं है। देखो, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में आपको ये चीज़ें सिखाया जाएगा। मान लीजिए कल लड़ाई छेड़ जाता है, हम सिपाही फार्मा, मान लीजिए मैं सिपाही फार्मा जा रहा हूँ, आप नर्सिंग असिस्टेंट जा रहे हो, बट वाई वी ज्वाइन इंडियन आर्मी? हम सिविल में स्टोर्स क्यों नहीं खोलते, फिर हम आर्मी में जाने की क्यों मतलब चाहत रखते? पहले हम देश की सेवा करना चाहते हैं। मानता हूँ मैं सिपाही फार्मा में जा रहा हूँ, फिर भी वर्दी पहन रहा हूँ, मिलिट्री सर्विस पे ले रहा हूँ, कल लड़ाई होगा मैं भी बंदूक लेके आगे जाऊँगा, ठीक है? इसलिए हम जा रहे हैं, क्यों? हम डिफेंस लवर है, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए जाते हैं। बहुत लोग कुछ बोलेंगे कि तुम लोग पैसों के लिए जाते हैं, गवर्नमेंट नौकरी के लिए जाते हैं, उसको बोलना तेरे को देता हूँ 35,000 रुपये एक महीना करके दिखा फौज में आके नौकरी, ठीक है, उसको यही बोलना। तो ये बहुत गर्व की बात है, आप इतना बड़ा अच्छा पोजीशन लेके डिफार्मा से करके भी फौज में जा रहे हो, आपकी जो देश की जो आप उसकी सेवा करना चाहते हो काबिले तारीफ है। इसके लिए आपकी हक मतलब आपकी जो तारीफ के हक आपकी पेरेंट्स को भी जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक में वापस आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, यहाँ पर क्या करो, जैसे लड़ाई छेड़ गया मान लीजिए, पीस टाइम को कोई भी इंडियन आर्मी में रिक्रूट होता है, ये याद रखना, पीस टाइम को लेकर नहीं कोई भी ये चीज़ें रख के नहीं होता है। जब लड़ाई लगता है हमें क्या चीज़ चाहिए उसके लिए पहले से तैयार होते हैं, और उस दौरान क्या क्या चीज़ें हमें पहले से रखना पड़ेगा उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट होता है। सिपाही फार्मा की रिक्रूटमेंट भी इसी हिसाब से किया गया है, ठीक है? तो पहले भी तो सिपाही फार्मा नहीं थे, काम चल रहा था ना, लेकिन अभी उनको महसूस हुआ कि सिपाही फार्मा की बहुत ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में ये रहेगा, जैसे आपकी लड़ाई छेड़ गया, मान लीजिए आपके पास बहुत ही कम रॉ मटेरियल है, बहुत ही कम रेडमेंट है, वहाँ पर आपको चीज़ें सिखाया जाएगा कि बहुत ही कम रॉ मटेरियल के साथ आप कैसे क्वालिटी लाइक टैबलेट्स बना सकते हैं, और हमारे जो फौज है जहाँ आगे जाके लड़ रहा है उसको अगर किसी, ऐसा तो नहीं है सब फिट फॉर हो गए लड़ेंगे, जो हाईटीट्यूड में जाएंगे ऑक्सीजन नहीं रहेगा बंदे के पास तो कैसे करेगा, वो लड़ेगा कैसे, उसको तो सांसें फूलेगा। कोई भी जाए, आप लेह लद्दाख जाइए घूमने के लिए जाइए, जिस दिन मैं लेह लद्दाख पोस्टिंग गया था वहाँ पर लैंड किया, मेरे को सिर बिल्कुल ऐसे घूमने लग गया, दो दिन तक तो मतलब ऐसे चावल वगैरह कुछ जाता ही नहीं वहाँ पर, बिल्कुल अजीब सा लगता है, बिल्कुल ले और लद्दाख की बात कर रहा हूँ। आप जब सियाचिन चढ़ोगे वहाँ पर, चुमाथंग थड़ोगे, कारगिल की तरफ जाओगे, आपकी तो सांसें और अटक जाएगा। ये तो लेह सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? वहाँ पर क्या है, जैसे लड़ाई के दौरान कोई मतलब ये हो गया, उसको बीमारी हो गया, उसकी टैबलेट्स चाहिए, मान लीजिए टैबलेट सप्लाई बंद हो गया, टैबलेट देश में ख़त्म हो गया, लड़ाई चल रहा है 2 महीने से, फिर क्या आप बहुत कम सामान लेके क्वालिटी लाइक टेबलेट बना सकते हो, और कैसे बना सकते हो, ये इंडियन आर्मी आपको सिखाएगा वहाँ पर सिपाही फार्मा के ट्रेनिंग में, जो कि एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, और आप अच्छे से ध्यान से काम करना वहाँ। ये तो हो गया आपके एक डिपार्टमेंट, यहाँ पर एक चीज़ है, ये कोर्स आपको कराया जाएगा। सेकेंड कोर्स क्या कराया जाएगा, क्यूसी डिपार्टमेंट रहेगा, दैट मीन्स क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। मान लीजिए मैं एक सिपाही फार्मा हूँ, मैंने मेडिसिन बना दिया, उसको चेक कौन करेगा? अगर मैं खुद बना के दे रहा हूँ तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया, क्योंकि खुद का कमी कोई नहीं निकालता, खुद का कमी कौन निकालता है, दूसरा निकालता है, ठीक है? तो अगर मैं मेडिसिन बना के दे रहा हूँ तो मैं कभी नहीं बोलूँगा मेरा मेडिसिन ख़राब है, या फिर इसमें ये ज़्यादा है वो ज़्यादा नहीं है, बोला ठीक है नहीं है। एक डिपार्टमेंट आपका हो गया, आपका वहाँ पोस्टिंग हो गया, आपने मेडिसिन बना दिया, लेकिन मेरा डिपार्टमेंट अलग है, आपके मेडिसिन मेरे पास आएगा, मैं भी एक सिपाही फार्मा हूँ, मैं वहाँ पर बैठा हूँगा, भाई लिया टेबलेट लिया, चेक करते हैं पहले तेरा सब कुछ ठीक है, क्वालिटी ठीक है तेरा, ऐसे तो नहीं कि मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से कैप्सूल बना दिया, अंदर मिट्टी डाल दिया, रेत डाल दिया, भर के बोला ले जाओ, ऐसे नहीं है, ठीक है? ऐसे कोई करेगा नहीं, मुझे पता है, बट मैं एक बात आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट क्या करेगा, वहाँ पर बैठे होंगे आपके ही सिपाही स्टार में बैठे होंगे, थोड़े से सीनियर आपसे बैठे होंगे, वहां वो क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे, साथ में चेक करने के बाद बोले हाँ भाई ठीक है, ठीक है, बोला इसका मेडिसिन ठीक है, मेडिसिन आगे फॉरवर्ड कर दो। आगे फॉरवर्ड करने के बाद आपका ये सीनियर ब्रांच के पास जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी एश्योरेंस ब्रांच, क्यूए ब्रांच।
वहां पर क्या होगा, आपकी क्वालिटी एश्योरेंस ब्रांच में वहां पर स्टैंप लगेगा। आप कितने भी कागजात बना लो, कितने भी रैली में जाते हो ना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो, ये बताओ जिसमें स्टैंप नहीं लगा के साइन नहीं होता है, क्या वो रैली का डॉक्यूमेंट्स आपको मान्यता है? क्या वो प्रूव करता है कि आप उस चीजों के हकदार है? जी नहीं। जब तक आपकी रैली के डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैंप्स नहीं लगता, सिग्नेचर नहीं होता, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहता, कितने भी प्रिंटआउट निकाल दो। जस्ट लाइक सेम क्वालिटी इंश्योरेंस क्या करता है, आपकी क्वालिटी चेक करता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को चेक करता है, क्या इसने सही सही मैन्युफैक्चर किया है, क्वालिटी चेक वाले क्या सही में क्वालिटी जो इन्होंने जो कंपोजिशन होता है, मुझे नहीं पता, मैं फार्मेसी का स्टूडेंट नहीं हूँ, जितना कंपोजिशन होना चाहिए क्या उतना हुआ है? अगर हुआ है तो वो क्या करेंगे, उसको साइन करके और सिग्नेचर मार के आगे फॉरवर्ड कर देंगे, कहाँ किसके पास वो बताऊंगा। लेकिन वहाँ तक आपका जो सीनियर डिपार्टमेंट रहेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो क्वालिटी एश्योरेंस में, अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस में जाते हो तो आपकी बहुत बढ़िया जॉब है। वहाँ पर क्या करोगे, आपका सिर्फ काम है जो मेडिसिन आएगा उसकी क्वालिटी चेक करना, एक्सपायरी डेट वगैरह चेक करना, मतलब आपने स्टैंप लगा दिया आपके हाथ में बहुत पावर रहेगा, अगर आपने रिजेक्ट लिख लिया फिर वापस बनाएंगे वो, ठीक है। यहाँ पर पीस टाइम में कौन बनाएगा, पीस टाइम में कोई सिपाही फार्मा टैबलेट्स नहीं बनाएगा, मैं वार टाइम की बात कर रहा हूँ, लड़ाई के दौरान बात कर रहा हूँ। पीस टाइम में सेम प्रोसीजर रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट रहेगा, जो मैन्युफैक्चरर कंपनी बहुत सारे होते हैं, लुपिन हो गया, सन फार्मा हो गया, उसके बाद बहुत सारे मैनकाइंड हो गया, ठीक है, ये इनका बहुत सारे टैबलेट्स कहाँ आता है, इंडियन आर्मी में आता है, करोड़ों करोड़ों का टैबलेट्स आता है, ठीक है, उसकी मालिक रहोगे बिल्कुल, ठीक है, डॉक्टर उसकी मालिक नहीं रहेगा, एमसी के कैप्टन लेफ्टिनेंट नहीं रहेगा, एक सिपाही फार्मा उसकी मालिक रहेगा, उसने बोल दिया पैरासिटामोल मैनकाइंड की आएगा तो आएगा, ठीक है। अगर क्वालिटी चेक एश्योरेंस वालों ने बोल दिया कि भाई क्या बोलते हैं इसका जो डोलो 650 एक आजकल आ रहा है 2 रुपए का, ये आएगा तो वही आएगा, ठीक है, वो आगे उनको ब्रीफ करने का काम उनकी है, जो डॉक्टर्स को ब्रीफ करेंगे कि सर ये डोलो जो है इसकी रेट कम है लेकिन बहुत हाईली इफेक्ट करता है, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट नहीं आता। फौज में कोई भी टेबलेट आता है बहुत लेट उसका असर करता है, लेकिन ध्यान रखा जाता है कि उसको साइड इफेक्ट ना करे, उस सोल्जर्स को साइड इफेक्ट ना करे। हम क्या करते हैं सिविल में, जल्दी ठीक होने के लिए हाई पावर के टेबलेट्स खाते हैं, जबकि फौज में ऐसा नहीं होता है, चाहे 2 दिन लग जाए उसको, उसको कुछ साइड इफेक्ट नहीं आता, फौज आपकी केयर बहुत करता है, ठीक है, इस मामले में। तो इस हिसाब से क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट, पहले जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट समझ के, सिविलियन आएगा आपके पास, सिपाही फार्मा के पास आएगा, आपको टैबलेट्स देगा, सर ये लो टैबलेट्स, प्लीज़ मेरा थोड़ा सा पास करवा दो, क्योंकि उनको भी बिजनेस करना है भाई। और इंडियन आर्मी में अगर आपने हाँ बोल दिया, उस मिलिट्री हॉस्पिटल में कितने टैबलेट्स आता है आप जितना सोच नहीं सकते ना, आपका सोच जहाँ से ख़त्म होता है उससे 4 गुना टैबलेट ज़्यादा आता है, समझ गए ना, जब जाओगे तब पता चलेगा आपको, ठीक है, 4 गुना टैबलेट ज़्यादा आता है उससे। एक यूनिट का जो छोटा सा MI रूम होता है ना, इतना बड़ा होता है, उसमें इतना टैबलेट्स भरा रहता है ना, पूरे आपकी 10 गांव खा सकता है उस टैबलेट को, ठीक है, इतना टैबलेट्स आते हैं वहाँ पर, कोई चीज़ों की कमी नहीं होता वहाँ, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो गया, आपकी ये चीज़ें हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट आपकी कंपनी हो गया, क्वालिटी चेक आपकी सिपाही फार्मा करेगा उस टैबलेट की, उसने लैब में जो टेस्ट लेके करना है करेगा, क्वालिटी एश्योरेंस वाला दोनों चीज़ चेक करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कौन है, उसकी बैकग्राउंड कैसा है, कैसे बनाता है, कोई फ्रॉड केस तो नहीं है, क्वालिटी चेक वाला ने कैसे चेक किया, फिर क्वालिटी एश्योरेंस के पास आएगा और उसने वहाँ पर सिग्नेचर में ठप्पा लगा के आपने साइन कर दिया तो वो मेडिसिन अप्रूव्ड हो गया, अगले 5 साल 2 साल 1 साल 1 दिन कितने भी कॉन्ट्रैक्ट बने उसके हाथ में बनेगा। तो सोचो आपकी रेस्पेक्ट क्या है, एक बहुत बड़ा कंपनी मैनकाइंड कंपनी ले लेते हैं, वो आएगा आपके पास और आप उसमें सिग्नेचर करके दोगे कि हाँ ये टेबलेट आएगा, फिर डॉक्टर्स आपके नीचे सिग्नेचर करेंगे जो MC के डॉक्टर्स होते हैं, हाँ ठीक है ये आएगा, समझ गए आपकी पावर कितना है, आप करोगे तभी होगा। बहुत रेस्पेक्टेबल नौकरी है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सिपाही फार्मा में जाना है तो बहुत अच्छा जगह पर। जब मैंने ट्रेड कंपेयर किया था कौन सा ट्रेड इंडियन आर्मी में बेटर है उससे नीचे, तब भी सिपाही फार्मा को पहले रखा था। अगर वो वीडियो नहीं देखा आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, नया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, आपके पास वीडियोस पहुंचता नहीं है तो कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा, ये हो गया आपकी वहाँ तक क्वालिटेशन से, जो मेडिसिन आ गया उसका एक और डिपार्टमेंट है जो स्टोर्स मैन रहेंगे आपके सिपाही फार्मा, उसको बोलते हैं जो आपके डिस्पेंसरी रहेगा, वहाँ पर आपकी अकाउंटेबिलिटी करने के लिए और आपकी जो स्टोर्स को हैंडल करने के लिए, स्टोर्स आपका है आप ही हैंडल करोगे, वहाँ पर भी आपके एक डिपार्टमेंट होगा, वहाँ पर भी आपके बंदे रहेंगे ड्यूटी करेंगे। तो वहाँ पर काम क्या रहेगा, आपकी जो टेबलेट्स आ रहा है
वहाँ पर उसको चेक करना। जैसे मान लीजिए 2024 को 2023 दिसंबर को बहुत सारे ऐसे टैबलेट्स हैं, वो तो कंप्यूटर में आपका फिट कर देंगे आप पहले, उसके बाद आप जैसे वो एक्सपायरी हो रहे तो उसको क्या करोगे, आप पहले उसको लाओगे, लाने के बाद जो यूनिट्स होता है, जो नर्सिंग असिस्टेंट आपके पास आएगा, सर मैं इस यूनिट का नर्सिंग असिस्टेंट हूँ, मुझे प्लीज़ बुखार के लिए सर इतना टैबलेट्स चाहिए, वो आपसे लेगा और प्लीज़ बोल के लेगा, ठीक है। तो नर्सिंग असिस्टेंट आपके अंडर में रहेगा, तो आप क्या करोगे, उसको बोलोगे ठीक है भाई तेरे 100 बंदे हैं, इतना टैबलेट्स नहीं है, ये ले जा, बोला ऐसा नहीं करना, दे देना, ठीक है। उसको भी ज़रूरत होता है, उसके भी बंदे हैं, ठीक है। हमारे किसी कोई घर से लाके तो आप दे नहीं रहे हो, फौज का है, गवर्नमेंट की है, ज़रूरत है तो देना है, ठीक है। इस हिसाब से क्या करना है, उनको दे दिया, और बाकी मिलिट्री हॉस्पिटल बोला सर मुझे इतना चाहिए, मिलिट्री हॉस्पिटल के जो नर्सिंग असिस्टेंट इंचार्ज हो गए, सर मेरे को हड्डी के लिए ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसकी जो अकाउंटेबिलिटी होता है, हर चीज़ का अकाउंटेबिलिटी रखना वहाँ पर, वो भी एक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर भी आपके बंदे सिपाही फार्मा काम करेगा, आपके स्टोर से आपकी अकाउंटेबिलिटी, हर साल आपकी ऑडिट होगा, कितना मेडिसिन आया था, कितना खर्चा हुआ, कहीं आपने बेच तो नहीं दिया, ये सारे चीज़ वहाँ पर ऑडिट होगा। तो बी सीरियस होकर जो भी सोर्स में रहते हैं आप सर्विस करने के बाद, तो बी सीरियस होकर रहना और बढ़िया से काम करना वहाँ पर। तो लगभग इतना सारे काम होता है वहाँ पर सिपाही फार्मा की, ये सारे कोर्सेस आपको सिखाया जाता है कि स्टोर्स में आपने क्या करना है, एक्सपायरी डेट को कैसे पहले भेजना है, 400 बंदे में बुखार का टेबलेट कितना देना है, 300 बंदे में हड्डी का टेबलेट कितना देना है, ठीक है। ये सारे चीज़ आपको समझाएगा, उस रेशियो से टेबलेट्स आता है फौज में, ऐसे नहीं है कि आया दो पेटी फेंक दिया, ले जा भाई इंडियन आर्मी, तो आप गए एक जो पैकेट है उसको लात मार दिया, भाई वो तो इन्फेंट्री रेजिमेंट ले जाए इसको, ऐसे नहीं होता। हर एक चीज़ का फौज में जो खाली खोखा आता है ना, खाली खोखा राउंड का भी अकाउंटेबिलिटी होता है। ट्रेनिंग सेंटर में हमने घूम किया था, पूरी रात गांड कुटाई की है एक खाली खोखा के लिए, बुलेट फायर होने के बाद खाली खोखा हो जाता है ना, उड़ जाता है, वो एक गुम हो गया था, पूरी रात गांड कुटाई किया, 4:30 बजे तक मिला जाके, वो पूरे रेत में ना, पूरे मतलब रेत में रेत रेत खोद दिया हमने, तब जाके मिला वो। तो वहाँ पर कोई भी एक ऐसा सामान अगर वेस्ट हो गया, एक्सपायरी हो गया और वो यूज़ नहीं हुआ, तो आपके ऊपर आएगा और आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा वहाँ पर कि ये सामान आया था, ये क्यों एक्सपायरी हो गया, और आपको जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब ऐसे चीज़ों में फंसते हो तो आपकी एक तो रेस्पेक्ट कम हो जाता है, दूसरा सोचता है अगले वाले इसको काम करना नहीं आता, जूनियर सोचेगा ये, बाकी जो डिपार्टमेंट हो गए QA QC और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वाला, इसको काम करना हैंडल करना ही नहीं आ रहा है, इसको कैसे डिस्पेंसर करना है, कौन सा कैसे क्या करना है, मतलब आता ही नहीं इसको। तो ये चीज़ें जो भी काम मिलता है आप ईमानदारी से करिए, इतने सारे कोर्सेज है। तो वीडियो में आपको क्या वैल्यू मिला कमेंट्स करिए, और आप कौन से डिपार्टमेंट में जानना चाहते हैं वो भी कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जय हिंद।